इस खास अवसर पर हम अपने उद्यमी शिक्षकों की अद्वितीय वेलकम सॉन्ग से करेंगे, जो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ स्वागत करेगा। तो बिना किसी देर के चलिए हम सब मिलकर इस मधुर स्वर की ओर बढ़ते हैं और हमारे शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाले वेलकम सॉन्ग का आनंद लेते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। कार्यक्रम संपन्न कराने में भी उनका योगदान है। वर्ष 2001 से छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष व संयोजक के रूप में गांधीगंज सहित शहर के अन्य स्थानों पर विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सफलतापूर्वक योजनाएं भी उन्होंने चलाई। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के निर्वाण कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी सक्रिय भागीदारी व सेवा कार्य में तत्पर रहे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के अध्यक्ष एवं पद पद पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री अशोक कुमार जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए एवं उद्बोधन स्वरूप दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। प्लीज सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के। शुभ दोपहरी, गुड आफ्टरनून, रेस्पेक्टेड हमारे अतिथिगण, हमारे पालकगण, हमारे विद्यार्थी, प्रेस के भाई एवं उपस्थित तमाम महिलाएं, मुझे ट्विंकल स्टार स्कूल के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही हर्ष एवं खुशी हो रही है। एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। इस खूबसूरत मौके पे मैं स्वागत करते हुए अपने अतिथियों से के लिए एक शब्द कहना चाहता हूं कि स्वीकृत आमंत्रण किया, स्वीकृत हमारा आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, अर्पित है श्रीमान आपको बच्चों का प्रणाम। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ट्विंकल स्टार स्कूल
तमाम विद्यार्थी स्कूल स्टाफ एवं विद्यालय परिवार की तरफ से मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ट्विंकल स्टार स्कूल की स्थापना वर्ष 2011 में नर्सरी क्लास के रूप में की गई। उद्देश्य था कि हम नन्हे मुन्नों बच्चों के साथ एक समाज में एक छोटा सा योगदान करें, शिक्षा की दीप जलाकर जो बन पड़े हमसे हम करें, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था। तो इस तरीके से 2011 में इसे शुरुआत किया गया, पुनः 2013 में इसका विस्तार करते हुए इसे हम लोगों ने आठवीं क्लास तक इसका विस्तार किया। अब उसके पश्चात तत्पश्चात जो बच्चे आठवीं क्लास तक तो पढ़ते रहे, फिर जब ये आवश्यकता हुई कि आठवीं के बाद क्या फिर किसी दूसरे स्कूल में जाना होगा, और जैसा आपको पता ही है कि अब आठवीं क्लास के बाद फिर 9th, 10th, 11th, 12th ये आगे के जो 4 साल हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो कोई भी पालक और कोई भी बच्चा जिस विद्यालय में कहीं भी एक बार अगर वो उसका मन लग जाता है और फैमिलियर हो जाता है तो पालकों को भी और विद्यार्थियों को भी दोनों को वो चीज़ें जो है एक साथ अच्छी लगने लगती है। तो पालकों की बहुत सारी डिमांड आई कि अब इसको और विस्तार किया जाए। तो पालकों के विस्तार के ऊपर हम लोगों ने 2015 में इसे क्लास 10 तक विस्तार किया और माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हमें 2015 में 10वीं क्लास तक की परमिशन मिली और इस तरीके से बच्चे हमारे 10वीं क्लास के बोर्ड तक पहुंच गए। पुनः एक बार फिर वही हम उसी दोराहे पे आके खड़े हो गए कि 11th के बाद 10th के बाद 11th और 12th कहाँ जाएं। फिर दूसरे स्कूलों में एडमिशन का चक्कर, क्योंकि कोई भी स्कूल सबसे पहला प्रेफरेंस अपने बच्चों को देता है जो खुद उनसे पास आउट होते हैं। तो हम लोगों ने फिर एक बार पालकों के दबाव में एक बार और विस्तार किया इसका और 2017 में हमने इसे 12वीं बोर्ड तक ले गए। 2015 के बाद 2016-11 11वीं क्लास का बैच स्टार्ट हुआ और पुनः जब 17 में 12वीं क्लास में गए तो हमने 12 क्लास तक का विस्तार किया और हमें 2017 में फिर से एक बार माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ शासन का द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और तब से हम लगातार हमारे बच्चे जो है नर्सरी से शुरू होके 12वीं क्लास तक एक ही जगह पे एक ही बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के, पालकों को बिना किसी प्रकार की दिक्कत के निरंतर जो है पढ़ते आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारी 2015 में 10th का बैच शुरू हुआ तो इसमें हमारा जो है लगभग हर साल 95 एंड अबव परसेंट का रिजल्ट रहा। हमें पिछले विगत 3 सालों से लगातार हम 100% रिजल्ट दे रहे हैं बोर्ड में। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 में हम लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहे और हमारा परिणाम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ता गया और आज ये नतीजा है कि हमारे 100% रिजल्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारा 12वीं क्लास का बोर्ड 2017 में शुरू हुआ था, 17 से लेके सन 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 इसमें हमारा परिणाम 100% रहा। 12वीं में एक रिकॉर्ड है कि जब से बोर्ड हमारा हमारी स्कूल को मान्यता प्राप्त हुई कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से फेल नहीं हुआ। ये हम अपने टीचरों को और हमारे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत की जिसका ये नतीजा रहा। और जो हमारी उपलब्धि रही स्कूल की, ये उपलब्धि ये है कि हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे हमारे राज्य के और बाहर के प्रदेशों में भी बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं। यहाँ तमाम रायगढ़ में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में और
प्रदेश के अन्य शहरों में जैसे रायपुर भिलाई इत्यादि में इंजीनियरिंग के छात्र अच्छा कर रहे हैं और मेडिकल में भी हमारे छात्र प्रदेश के बाहर भी हैं। और अभी इस साल की जो हमारी विशिष्ट उपलब्धि रही, हमारा एक लड़का अध्यान शर्मा इसी साल छत्तीसगढ़ नीट एग्जाम में टॉप 10 में पांचवी पोजीशन। और इसी तरीके से हमारे कॉमर्स संकाय में, जैसा कि मैं बताया, हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी विषयों में हमारा स्कूल जो है वो 12वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई कराता है। तो हमारे कॉमर्स के क्षेत्र में एक गौरव पंडा हमारा विद्यार्थी, वो जो है सीए के प्रथम चरण उसने पास आउट कर लिया है, सीए के द्वितीय चरण का उसकी तैयारी चल रही है और भगवान ने चाहा तो वो हो सकता है कि एक आध साल के अंदर पहला सीए हमारे स्कूल के द्वारा पढ़ा हुआ बच्चा सीए बनने जा रहा है। इस तरह से हम साल दर साल अपनी उपलब्धियां बढ़ाते जा रहे हैं और शिक्षा के गुणवत्ता में और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दिन रात उस पे काम करते हैं, फोकस रहते हैं। और ये हमारा एक इरादा है कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा समाज के हर वर्ग को हम पहुंचा सकें। तो हम अपने आप को ये मानेंगे कि हमने थोड़ी सी जिंदगी में कुछ समाज में योगदान किया। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं तमाम आप सभी के सपोर्ट, गाइडेंस और समय समय पर किए गए सहयोग से हम लोग बिल्कुल अभिभूत हैं, प्रभावित हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसी तरीके से समाज की शिक्षा के माध्यम से सेवा करते रहेंगे और हम स्कूल को आगे की ओर लेके जाएंगे। ये हमारा एक प्रण है, एक पैशन है। अब मैं अतिथियों के एक बार पुनः स्वागत करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लेके कार्यक्रम आगे बढ़ाने की, एक आगे की तरफ बढ़ने की सोच के साथ अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। तो इन्हीं खुशबू के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए अब मैं श्री निहाल सर को आमंत्रित करता हूं कि आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़े। धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिसे डर के छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। आओ मित्रों मिलकर हम सब एक झिलमिल दीप जलाते हैं, झिलमिल दीप जलाते हैं। किसी भी सांस्कृतिक आयोजन के प्रथम चरण के हम सब पवित्र अग्नि का प्रज्वलन करके माँ सरस्वती, माँ भारती से प्रार्थना करते हैं कि हे परम शक्ति हमें सबल देना कि हम विधिवत अपने आयोजन को संपन्न कर सके, अपने आयोजन को संपन्न कर सके। तो मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा वह दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आगाज करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए सके। जाड्यांधकार
एक बार हमारे सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं हमारे विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि वो आज के हमारे अतिथियों को फूल्प के गुस्ते तिलक एवं बैस से उन्हें सम्मान समर्पण करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। एवं श्रीमती राजू अग्रवाल जी को भी पुष्प के गुच्छे से सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं ज्योति मैम से अनुरोध करूंगा वो श्री महावीर अग्रवाल जी को पुष्प के गुच्छे से सम्मानित करें। मेनका मैम से मैं अनुरोध करूंगा वो आज के हमारे अतिथि श्री सुशील मित्तल जी को पुष्प के गुच्छे से सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। उनका एक उत्सव के रूप में समापन जो है वो वार्षिक उत्सव कहलाता है। तो ये छोटा सा उसका डेफिनेशन है। अच्छा, कितने लोगों को जो मंच पे है और नीचे पुलिस से डर लगता है? कितने लोगों को पुलिस के लिए बड़ा टेंशन का विषय है कि किसी को डर ही नहीं लगता है, क्योंकि इसके पहले तक बोला जाता था कि वो लाल टोपी नीली टोपी वाले आ गए तो पूरे गाँव में हल्ला मच जाता था। ये हम लोगों के लिए बड़ा टेंशन का विषय हो गया। थोड़ा सा हम लोग को अप्रोच महावीर जी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता था कि पुलिस वाले बड़े काले मोटे से बड़ा सा पेट होता है और काइंड ऑफ बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं पुलिस को लेकर? कितने लोगों का था? कोई तो हाथ उठा दीजिए, मुझे दिख तो रहा है। ऊपर से ही कोई जवाब दे दीजिए। बट आज की डेट में पुलिस वाले बड़े ग्लैमरस हो गए, यू नो, टू द वेरी फिट एंड ऑल एंड सारी चीजें जो है पुलिस ने अपना स्वरूप बदल दिया। एक ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस, मानवीय चेहरा पुलिस का जो है वो सबके सामने आ गया है।
बीइंग अ लेडी मुझे लगता है जब ये कहा जाता है कि एसपी सर आ रहे हैं, ये सारी महिलाओं के लिए बड़ा उत्सुकता का और सम्मान का विषय है, तो एक नॉर्मल मेंटालिटी रहता है कि एसपी आना होगा। बट अगर ये बोला जाता है कि एसपी मैडम आ रही है, वो भाव कितना बड़ा होता है महिलाओं के लिए, वो महिलाएं समझ सकती हैं। और हमेशा बात चलती है वुमन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, तो जिसमें मुझे नहीं मालूम बहुत सारे लोग इन विषयों को लेते हैं। मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स प्राउड फील करें अपने बच्चे के ऊपर, अपनी लड़की के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, वो महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से सशक्तिकरण का एक वास्तविक अर्थ है। जब ये कहा जाए कि इसके कारण मुझे वो जगह मिली, समाज में मुझे पहचान मिला, दैट्स अ रियल वुमन एम्पावरमेंट। बच्चियों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड अभी बहुत सारा काम किया जा रहा है, बट जब आप उनका उपभोग ही नहीं करेंगे तो उन कानूनों को लाने का, उन नियमों को बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैंने देखा है अभी आज की डेट में मैक्सिमम लोग मुझे रील्स बनाते हुए, चाहे वो 8 साल की बच्ची हो या 68 ईयर की महिला पुरुष हो, मुझे रील्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, हो सकता मैं भी बनाती होंगी। मंच पे कितने लोग हैं जो रील्स बनाते हुए देख रहे हैं। रील्स बनाना, उसमें आपको पता है कितना सारा हमारा समय है। एक मैम जो घूंघट में वो मुंडी नीचे कर रही है, उनकी तरफ देखूंगी नहीं, वो शायद सबसे ज्यादा रील्स बनाती हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये हमारी प्रवृत्ति क्या है, बच्चे देखे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। जब तक आप हमें, सब कहते हैं पुलिस नहीं पहुंची, अच्छा अगर ट्रैफिक जाम होता है तो सबसे पहले किसको याद करते हैं, मैं सुन नहीं पाई, ट्रैफिक जाम में किसको सबसे पहले इंतजार करते हैं, आप लोगों ने खाना नहीं खाया मुझे लगता है। तो ट्रैफिक जाम हो, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, नाली के लिए लड़ाई हो रही हो, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे पहले हम लोग को याद करते हैं, और गाली भी सबसे ज़्यादा पुलिस को मिलती है कि पुलिस वाले ने ये नहीं किया, पुलिस वाले ने, आई डोंट नो पुलिस मतलब कोई जादू की छड़ी जला के सारी चीज़ें करेगी, क्योंकि मौका वार्षिकोत्सव का है, बहुत सारे विषय हैं जिस पर बीच बीच में मैं स्कूलों से जाकर बात कर लेती हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं इस स्कूल में पेरेंट्स से मिलना चाहूँगी, बिकॉज सबसे पहले अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो पेरेंट्स को वो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मंच बड़ा सम्माननीय है, काफ़ी प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, और मंच से ज़्यादा सुंदर और प्रतिष्ठित लोग मंच के उस तरफ बैठे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका और आपके बच्चों का है, इसलिए हम उसमें सहभागी बनने आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच हमें बुलाया गया, हमें ये सम्मान दिया गया कि हम आपको जानें। हम लोग तो पता नहीं एक दूसरे को जानते रहते हैं, बट ये हमारा सम्मान है कि आप सबको जानने का अवसर मिला। इतनी सारी सुंदर महिला और पुरुष एक साथ देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपना एक अस्तित्व रचते हैं, अपनी एक छाप छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी बहुत सारे मुझे पेरेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। तो थिंग इज दैट कि ये जो मंच है आज बच्चों के लिए है, तो उनके जो भी प्रतिभा कौशल है उसको देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग खूब अच्छे से रहें, खूब इंजॉय करें, नियमों का पालन करें, पुलिस हो, प्रशासन हो, लोग जो है सब हमेशा आपके साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर्वप्रथम मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व और ये हमारे लिए भ्रम पैदा कर देता है। जब मैं अभी जीवनी पे शोध कर रहा था तो क्या ये कोई लड़की है, कोई महिला है, या ऐसा लग रहा है कोई 16-17 साल की लड़की, जिस तरीके से आपकी जो जीवनी मैंने पढ़ी है, तो ये भ्रम आप एक परिपक्व महिला का भी उदाहरण मिलता है, इसमें एक 16-17 साल की कन्या का उदाहरण मिलता है। तो इस संशय की वजह से मुझे गलती हो गई है, मैं फिर भी आपसे माफी नहीं मांगूंगा, और लगा तो मैं आपसे माफी के लिए भी मैं उदाहरण हूँ। अगले चरण में मैं श्री महावीर अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए एवं अपने शब्दों से हमें सुशोभित करें। ट्विंकल स्टार स्कूल के इस आज के एनुअल फंक्शन के बहुत गरिमामय आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर के लोकप्रिय चिकित्सक
और जन जन के सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदरणीय डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, हमारे बीच उड़ना से आई हुई एडिशनल एसपी लेडी सिंघम जिनकी धमाकेदार आवाज आपने अभी सुनी है और काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीच आपने दी है, इनकी गरिमामय उपस्थिति एडिशनल एसपी 6th बटालियन उड़ना हमारे बीच में। इसी के साथ में हर्ष चैनल के एमडी और लोकप्रिय समाज सेवी और गैलेक्सी मॉल के एमडी माननीय सुशील जी, हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, अशोक यादव जी जो इस शानदार स्कूल में अपनी शुरू से भागीदारी निभाते आ रहे हैं, सफल भागीदारी, विभा जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी, दिशा ऑनलाइन के संचालक संतोष जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी बेहद खूबसूरत संचालन करने वाले श्रीवास्तव जी जो शानदार संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी छात्राएं हैं, प्यारे बच्चे हैं एवं जितने भी पालक गए हैं, मैं सभी को इस एनुअल फंक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि युवा शक्ति के बल पर ही जबकि आजादी पड़ती है इतिहास उधर उड़ जाता है जिस और जवानी मिलती है। बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छे अध्यापक है, बहुत अच्छी टीम है जो बनी हुई है, आपकी इतनी सारी उपस्थिति देखकर यही लग रहा है। धन्यवाद सर। अब मैं श्री डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए एवं शब्दों से बच्चों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद आदरणीय मन, आप उपस्थित सभी को मेरा अभिनंदन, मेरी वाइफ को छोड़ दो। रिस्पेक्टेड स्कूल स्टाफ, अशोक भाई मैडम और सभी टीचर्स सर, सभी को मेरा अभिनंदन। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा अभिनंदन। प्यारे बच्चे, आप लोगों को सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं जानता हूँ बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कम से कम शब्दों में बोलूँ। सर्वप्रथम तो मैं स्कूल को बधाई देता हूँ, उन्होंने अपना जो स्कोर कार्ड रिजल्ट का बताया वह एक बहुत ही शुभ संकेत है इसके उज्ज्वल भविष्य की, आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे जिस तरीके से ग्रेजुअल नर्सरी से लेकर 12th तक आए हैं, आने वाले दिनों में कॉलेज की स्थापना करें और ग्रेजुएशन में भी आगे आए, ये मेरी शुभकामना है, मेरे वेल विशेष है उनके लिए, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि अपने कार्यों में सफल हो। यह जो सोशल गैदरिंग होती है वास्तव में यह साल भर तक बच्चों को उसके पेरेंट्स और स्कूल उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के